अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और आज का मेरा व्लॉग है डॉलन्स की फ्रिज के ऊपर, और डॉलन्स की फ्रिज का मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या फ़ायदा है और क्या आप इसकी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सा मॉडल आपके लिए बेस्ट है। आजकल के दौर में जितनी महंगाई चल रही है, आप लोगों के घर में कौन सी चीज़ बेस्ट रहेगी। तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए रहिए और अपनी फैमिलीज़ के साथ हमारा चैनल शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें अपनी राय। तो चले हमारी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और आपको दो मॉडल मैं दिखाऊँगा डॉलन्स के, दोनों का डिफरेंस भी आपको बताऊँगा और कि आपको प्राइस भी बता दूंगा और उनका आपको फ़ायदा भी बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। जी व्यूअर्स, ये देखें आपको डॉलर्स की फ्रिज नज़र आ रही है मेरे सामने, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। रेड कलर में है और इसका मॉडल है अवांटे। अवांटे इसमें एक अवांटे प्लस आती है और एक ये अवांटे है। तो ये एक छोटी सी फैमिली के लिए, रूम साइज़ के लिए बहुत बेस्ट फ्रिज है, बहुत अच्छी क्वालिटी में है। इसकी मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से क्वालिटी। और ये इसके साथ देखें क्रोम पड़ी हुई है, मतलब सिंपल में जो सादी मतलब पहले लोग इस्तेमाल करते थे, ये डॉलर्स की क्रोम प्लस पड़ी हुई है। आप दोनों को मैं आपको इसमें से फ़र्क बताता हूँ। ये देखें इसके अंदर हाई क्वालिटी की ये उन्होंने प्लास्टिक इस्तेमाल की है, और उसके बाद इसके अंदर जो फ्रीज़र है और वो उन्होंने अंडर कवर किया हुआ है, मतलब छुरी वगैरह लगने का कोई मसला नहीं, ख़तरा नहीं। और ये आपको नहायत ही मुनासिब कीमत में मिलेगी, मतलब कि आपको 40,000 में ये मिल रही है। और इसके अंदर ये मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, इसके ऊपर आपको दिखाता हूँ। और ये देखें इसके अंदर ये जो लगा हुआ है ना, इसका टेम्परेचर सेट करने वाला, इसको आप कोई बच्चा मतलब पहले होता था कि हिला दे तो मतलब टेम्परेचर, आप अब ये ऐसा कुछ नहीं होगा, इसको आप जिधर मर्ज़ी सेट करें टेम्परेचर वही रहेगा, ठीक है। इसकी क्वालिटी ये है। और ऊपर ये देखें इसके अंदर अंडरग्राउंड पाइप हैं, मतलब बर्फ़ कभी जम भी जाए, आप लोग छुरी के साथ भी निकालें या कांटे के साथ भी, तो पाइप लीक होने का ख़तरा नहीं है। वो अवांटे अवांटे ये फ्रिज है, ठीक है। उसके बाद ये आपको मैं क्रोम दिखाता हूँ। क्रोम का भी सेम वही उन्होंने बनाया, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी क्वालिटी उन्होंने चेंज की है। क्वालिटी ये चेंज है कि ये ग्लास डोर नहीं है, और उसके बाद इसके अंदर पाइपिंग गैस जो इस्तेमाल हुई है वो भी दूसरी है, उसके मुनासिब ये इसकी गैस कम है, मतलब दूसरी चेंज है। इसके अंदर भी सेम आपको वही ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन इसका टेम्परेचर और उसका टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसकी कीमत है टोटल कैश के ऊपर 48,000 रुपया, और उसकी है 40,000, मतलब 8,000 का डिफरेंट है। लेकिन ये पुराने मॉडल में और वो न्यू मॉडल में, आपको दोनों में वाज़िया फ़र्क नज़र आ रहा है। तो जी व्यूअर्स, मैंने आपको दिखा दिया है ये दोनों मॉडल्स थे, और आपने इनमें डिफरेंस भी देख लिए और आपको ये पता भी चल गया इनकी प्राइस का। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, आपको ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी, आपको प्रोडक्ट नॉलेज देता रहूँगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। हमारे व्लॉग्स डेली बेस पर आपको कोई ना कोई व्लॉग मिलेगा। आप लोगों को अगर कोई चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी आपको बीच में मिल जाएगा, और आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप पर भी कर सकते हैं। और आपको ईजी इंस्टॉलमेंट पे या कैश पे भी चाहिए हो तो आपको मैं दोनों प्लान बता सकता हूँ, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो तब तक के लिए दे हमें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।